एक समस्या आ रही है कि कई जगह बहन के नाम पे गैस कनेक्शन नहीं है, भैया के नाम पे है। अब वो भैया के नाम पे कलेक्टर भी यहां पे होंगे, भाई ये कलेक्टर है क्या? देखो जरा जल्दी से। सीएम शिवराज एक बार फिर जोश में दिखने लगे हैं। अलीराजपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने लाडली बहनों को लेकर कई ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने मंच से ही कलेक्टर को बुलाया, फिर लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन कराने का निर्देश दे दिया, ताकि उन्हें वो सब्सिडी मिल सके जो राज्य सरकार गैस सिलेंडर पर दे रही है। जिनके मकान पीएम आवास में रह गए उनके सीएम आवास में बनवाऊंगा। फिर हमारी रसोई गैस उज्ज्वला वाली महंगी हो गई थी कि नहीं? थोड़ी तकलीफ हो रही थी, कई जगह बहने कहती थी महंगी हो गई मामा जी। तो अब लाडली बहनों को और उज्ज्वला वाली बहनों को 450 रुपया में रसोई गैस दूंगा, बाकी पैसा मैं भरवाऊंगा। अब एक समस्या आ रही है कि कई जगह बहन के नाम पे गैस कनेक्शन नहीं है, भैया के नाम पे है। अब वो भैया के नाम पे कलेक्टर भी यहां पे होंगे, भाई ये कलेक्टर है क्या? देखो जरा जल्दी से, ये गैस एजेंसी वालों से कह दो कि भैया के नाम पे गैस कनेक्शन है तो वो बहनों के नाम पे गैस कनेक्शन करवाना है, ताकि बहनों को पैसा डालूं मैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले तक थोड़े सुस्त दिख रहे शिवराज सिंह चौहान सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने एक दिन में एक बार फिर लगातार 3 जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सीएम शिवराज को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अलीराजपुर में सीएम ने सभी अटकलों को इशारों ही इशारों में खारिज कर दिया।